हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अपने ये पिटूनिया आप सभी से एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। कितने खूबसूरत इनके फूल खिले हुए हैं। जल्दी ही मैंने पिटूनिया पे वीडियो अभी दी हुई थी और इस समय पिटूनिया हमारे गार्डन में बहुत अच्छी ग्रोथ पर बने हुए हैं। इनके खुले पेटल के फूल जो वाइट कलर के हैं, बड़े ही खूबसूरत दिख रहे हैं और गार्डन को एक नया लुक दे रहे हैं। तो पिटूनिया आप अपने गार्डन में लगाइए और इनके फूलों का आनंद उठाइए। फिलहाल बात करते हैं आगे आने वाली वीडियो में क्या है आज की हमारी इस वीडियो में, यही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो विंटर के ही फ्लावर प्लांट इस समय गार्डन में बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं और विंटर का ही वो एक प्लांट है जो कि है डॉग फ्लावर। और डॉग फ्लावर बहुत ही खूबसूरती से हमारे गार्डन में बने हुए हैं और उनमें फूल आ रहे हैं, उसी पर हमारी आज की ये वीडियो है। तो जानेंगे डॉग फ्लावर के बारे में कि किस तरह से मैंने इन्हें केयर किया हुआ है जिससे कि ये हमारे गार्डन में इस समय अच्छी ग्रोथ पर बने हुए हैं और फूल खिल रहे हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो एक गुलदस्ते का रूप ले लेते हैं, इसलिए से मुझे डॉग फ्लावर काफ़ी पसंद आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अभी तो ये थी पिटूनिया जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ पे बने हुए हैं और फूल आ रहे हैं। यहाँ पर है ये डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर इस तरह से होते हैं, इनके खूबसूरत फूल मानो गुलदस्ते की तरह गार्डन में रखे हुए हैं, ऐसे दिख रहे हैं। इनमें कई कलर आते हैं और जो भी आप लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं। जब मैं इन्हें लाई थी तो मैंने वीडियो के थ्रू आप सभी से शेयर किया हुआ था, कई प्लांट मैंने एक साथ लगाए हुए थे, उसमें ये डॉग फ्लावर भी थे और इनकी बस केवल थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी और इसमें कुछ भी नहीं था, केवल छोटा सा प्लांट था। मैंने इन्हें जब लगाया था तो ये इसी तरह से थे और अब आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। फूलों से भरे हुए हैं ये प्लांट और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। इन्हें मैंने सीमेंट पॉट में लगाया हुआ है और इन्होंने अच्छी तरह से इस पॉट को कवर किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से ये हमारे गार्डन में प्लूमिंग पे हैं। मैं इन्हें समय समय से पानी वगैरह देती रहती हूँ और ये हमारे टेरेस पे ही रखे हुए हैं। आप किसी भी प्लांट को अगर लगाते हैं तो अच्छी खासी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। पॉट आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। साथ ही साथ उसे ऐसी जगह रखें जहाँ अच्छी सनलाइट मिलती हो, पानी आप समय से देते रहें तो प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पर बना होगा। जब आप इसको लगाते हैं तो कुछ ही दिनों बाद यानी एक हफ्ते 10 दिन बाद आप इसे अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र करिए। मैंने भी इसे फर्टिलाइज़र दिया हुआ है और जब मैंने प्लांट को पहली बार फर्टिलाइज़र दिया था तो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र था। और मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र को किस तरह से देना है ये मैंने कई बार वीडियो में बताया है। जो भी मस्टर्ड केक होता है यानी कि सरसों की खली, उसे आप ले आइए और पानी में भिगा दीजिए। जब वो अच्छी तरह से घुल जाए यानी 24 घंटे रखने के बाद में उसे पानी में डाइल्यूट करके और फिर मिट्टी में देना है। बहुत ही सावधानी के साथ इस तरह से प्लांट को हटा करके और इसकी मिट्टी में देना है। जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं मस्टर्ड केक का, उसे बहुत ही पतले फॉर्म में देना है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगस वगैरह लग सकते हैं। जब लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने दिया तो इसकी थोड़े दिनों बाद ग्रोथ चल पड़ी है और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट घना और बुशी हुआ है। मैं दूर से दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत दिख रहा है। कुछ ही दिनों बाद इसमें बड आने लगी और जिस समय मुझे लगा कि अब इसमें बडिंग होने वाली है और बड आने शुरू हो गए हैं और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ताकि इसमें अच्छे फूल आ सकें, उस समय मैंने इन्हें ड्राई फर्टिलाइज़र दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया था और उसमें थी नीम की खली, DAP के 4-6 दाने थे और बोन मील थी। इस तरह से मैंने सभी को मिक्स करके और इसकी मिट्टी में गुड़ाई करके साइड से मैंने एक एक चम्मच दिया हुआ था और देने के बाद में दूसरे दिन मैंने इन्हें पानी दिया था। अभी आप प्लांट देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ पे बना हुआ है और इनमें फूल आ रहे हैं। मैंने दो कलर के लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये रेड कलर के हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और दूसरा येलो है। प्लांट बहुत छोटे थे इसलिए से मैंने एक पॉट में दो प्लांट लगाए हुए थे और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चली है। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं, अगर आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, नहीं तो ड्राई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, चाहें तो आप दोनों ही दे सकते हैं लेकिन कुछ दिनों के अंतराल पे। फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को जल्दी ना दें, जब भी दें तो 15-20 दिन का अंतर होना चाहिए और अगर आप दोनों ही फर्टिलाइज़र देते हैं तो कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। ये कम से कम हमारे 1.5 महीने के लगे हुए प्लांट हैं और अभी इनमें फ्लावरिंग अच्छी खासी चल रही है।
मुझे इन्हें अभी काफ़ी दिनों तक अपने गार्डन में रखना है, इसलिए से मैं इनके पानी का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब फूल आने लगते हैं प्लांट में तो पानी आप इस तरह से दीजिए कि मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह से मिट्टी सूखती है उसी तरह से इस पे फूल भी सूखने लगते हैं और फिर जल्दी फ्लावरिंग हो करके और सूख करके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए से इनको ज़्यादा दिनों तक अगर फ्लावर चाहते हैं तो पानी इनमें बराबर दीजिए, मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। सूखे फूल जो आते हैं उन्हें आप समय से हटाते जाइए। यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉग इसकी सूखी हुई लगी हुई है, इसे अगर इस तरह से हटा देते हैं तो प्लांट आपका वहाँ से नई ग्रोथ करता है और फिर उसमें बराबर कुछ ना कुछ ग्रोथ चलती रहती है। सूखे हुए फूलों को बिल्कुल हटाते रहिए, तभी प्लांट साफ़ और सुथरा रहेगा और आगे आने वाले समय में वो ज़्यादा दिनों तक ग्रोथ करता रहेगा। इस तरह से मैं अभी तक अपने इस डॉग फ्लावर को रखी हूँ और आगे भी मैं रखूँगी। आने वाली वीडियो में मैं दिखाती रहूँगी क्या इसकी ग्रोथ चल रही है, कैसे फूल आ रहे हैं। यही थी हमारी आज की इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ डॉग फ्लावर आप अपने गार्डन में लगाएंगे और इसके सुंदर फूलों का आनंद उठाएंगे। वीडियो का एंड करते हुए फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।